अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामिन हज़रात, इंशाअल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज की टॉपिक है, आज की खूबसूरत मालूमात यह है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पे छः हक है, माशाअल्लाह। तो वो छः हक क्या है, इसे आज गौर फिक्र करें। इसे जानना भी आज के डेट में हर एक मुसलमान को बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम रखता है। तो वह क्या है, इसे आप समाप्त फरमाएँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका मेज़बान मोहम्मद हसन रज़ा रिज़वी। मेरे इस्लामिक चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की टॉपिक है, हर मोमिन मुसलमान एक दूसरे पे छः हक रखता है, वो छः हक क्या है, इसे समाप्त करना है। पहला, नंबर वन, पहला है कि आप जब एक दूसरे से मिले तो सलाम पेश किया करें। जिस तरह हम मिलते हैं उस तरह एक दूसरे को सलाम पेश करें। अगर आप सिर्फ अस्सलामु अलैकुम करते हैं तो भी इसका सवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम। तो आप कोशिश करें मुकम्मल सलाम कर ले तो ही बेहतर है, और जवाब देने वाला भी पूरा जवाब दे तो इसका सवाब ज़्यादा। दूसरा है, जब आप दावत दें अपने दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में, तो अगला को भी चाहिए उसकी दावत को कबूल करें, माशाअल्लाह। तीसरा है खैर व खबर, उसके हाल चाल ले, खुद भी ले और उससे भी अपने दोस्त रिश्तेदारों से भी खैर खबर लेना चाहिए, ये तीसरा। चौथा है, जब छींक आए, हर एक को छींक आता है, छींक अल्लाह पाक को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब छींक आए तो अगला उसके सुनने वाले उसके जवाब में या रहमतुल्लाह कहे, ये हो गया चौथा। पांचवा है, जब वो बीमार पड़ जाए तो उसकी अदायगी किया करें, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीका है। जब भी वो बीमार है किसी हॉस्पिटल में या घर में, तो उसकी बीमारी की अदायगी करने जाए, उसके हाल चाल, उसके खैर खबर, और उसे उसके लिए दुआ करें और उससे दुआ भी कराए, ये पांचवा है। और छठा है कि जब वो इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो, माशाल्लाह, उसके जनाजे में शामिल हो, उसकी मिट्टी तक जाए, उसके कब्रिस्तान कब्र तक जाए, उसके कब्र पे मिट्टी दे, ये है छठा। तो एक मुसलमान दूसरे मोमिन पे छः हक रखता है, पहला है सलाम, दूसरा है दावत खैर उठाई, तीसरा है खैर तलब करे एक दूसरे को, चौथा है जब छींक आए तो उसका जवाब दें, और पांचवा जब वो बीमार हो जाए तो उसकी अदायगी करने जाए, और छठा है जब वो इंतकाल फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शामिल हो। तो इस्लाम में ये छह हक रखा है एक मोमिन मुसलमान एक दूसरे पे, और इसमें सबसे अहम है जब एक आपस में एक दूसरे मोमिन मिलते हैं तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि सलाम पेश करें, तभी आप दूसरा का पहले सलाम उसके बाद दूसरा कलाम करें, इसे आप ख्याल रखें। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।